हेलो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी आपके लिए एक बार खबर आपको पता है चल रहा है जून यानी कि वैकेंसी का महीना तो बेटा आपकी वैकेंसीज आ गई है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं इस वीडियो में तो पूरी वीडियो अंत तक बिल्कुल जरूर देखिए पूरी ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आया है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस ठीक है फॉर वैकेंसीज डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है इसमें अगर बेटा मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में लाइक वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट और डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट अपलिकेशन आर्किटेक्ट इंटरप्राइज आर्किटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट इन इंटीग्रेशन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट और इसमें आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी अलग अलग हैं जैसे इसमें दो हैं इसमें फ़ाइव हैं इसमें आपका दो है इसमें फोर है इसमें वन वन टू टू एंड टू नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग हैं ठीक है तो ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप इसको पूरा यहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा ठीक एज ऑफ एज भी अलग अलग है किसी की 28 से 35 है किसी की 35 से 30, 25 से 32 है यह आपका 28 से 35 है किसके लिए डिप्टी आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है डेटा एनालिस्ट का इसमें आपका 25 टू 32 है क्योंकि आपका ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है ठीक ये आपका मिनिमम 32 टू टू फोर्टी है किसमें आपका अप्लीकेशन आर्किटेक्ट इंटरप्राइज आर्किटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट इंटीग्रेशन एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट में इसमें आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज वन वन टू टू एंड टू हैं ठीक है इसमें आपकी आ, पोस्ट आ, और सॉरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो बी टेक बी ई एम टेक एम ई कंप्यूटर साइंस आई टी डाटा साइंस मशीन लर्निंग एंड ए आई मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स कंपल्सरी इन बी टेक और बी फ्रॉम ए आई सी टी और यू जी सी यूनिवर्सिटी ठीक है यानी कि ये सब कोई किसी में एक में बी टेक होना जरूरी है आपका या फिर बी ई -E, ठीक है और मिनिमम आपके सिक्सटी परसेंट यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो आपकी होनी ही चाहिए ठीक है और यहाँ पर ये यह एक्सपीरियंस भी मांगा गया है मिनिमम सिक्स ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी यानी कि सेम डिपार्टमेंट में आपको लगभग छः साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम थ्री ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आईटी डेटा साइंस यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम थ्री ईयर का ठीक हर वैकेंसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस आपका गिवन है जैसे कि यहाँ पर मिनिमम सिक्स ईयर एक्सपीरियंस है यहाँ पर मिनिमम थ्री ईयर एक्सपीरियंस है ये आपका मिनिमम एट ईयर एक्सपीरियंस है ठीक है मे एट ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटरप्राइज uh, आर्किटेक्ट के लिए भी है ठीक है तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल गिवन है बच्चों अब अगर हम बात करें तो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं जैसे आपका क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हो गया सीनियर डेवलपर फुल स्टैक हो गया आपका जावा एंड ऑल ठीक है डेवलपर हो गया डेवलपर की पोस्ट यहाँ हो गई ये आपकी डेवलपर यानी कि ये बेसिकली आपका बीटेक और बीई वालों के लिए पोस्ट आई हुई है ठीक है ना साथ ही साथ आप इधर देख सकते हो एमएसएमई ठीक है MSME, जोनल सेल्स मैनेजर जोनल सेल्स मैनेजर एमएसएमई बिज़नेस है ये और ये आपका सी वी सी एम ई है ठीक है ये आपका जोनल सेल्स मैनेजर है एम एस एम ई में ठीक है और ये आपका असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है एम एस एम ई सेल्स में और ये आपका असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एम एस एम ई सेल सी वी एंड लोन्स में है आपका ये ठीक है और इसी तरह से आपकी बहुत सारी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये फॉर्म कैसे फिल होगा तो इसका फॉर्म जो है बेटा इसको जो फॉर्म फल uh, फिल करने की डेट है उस पर बात कर लें हम लोग तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा बारह जून से और आपका ये जो है लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है ये है बेटा आपकी दो जुलाई ठीक है तो आप इसे जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो फिल कर सकते हैं इसे इसे प्रॉपर देख लेना आप कौन से अब जैसे ये है हमारा ठीक है एनालिटिकल गोल्ड लोन एनालिटिकल ऑटो लोन एनाटिकल एनालिटिक्स आपका हो गया पर्सनल लोन ठीक है ना इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम ठीक है बट यहाँ पर आपको जो है मिनिमम फाइव ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है मिनिमम क्या होना चाहिए फाइव ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप देखना आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है आगे की बात समझते हैं फिर आपका जो है पूरी चीज़ें दी हुई हैं ये है आपका एक इंपॉर्टेंट ये भी देख लो डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर डीबीए। इसमें मैक्सिमम एज कितनी है सिक्सटी ईयर तक के लोग भी बढ़ सकते हैं इसमें ठीक है ना बहुत हाई एज दी गई है वैसे ठीक यहाँ पर पोजीशन वाइज आपको जो है वो डिसाइड है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ठीक है आगे की अगर मैं बात समझू कि एज कैटेगरी क्या हो सकती है बेटा एज जो आपकी एज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट रूल्स हैं एज पर रिलैक्सेशन ठीक है ना उन्हें जो है उस हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जस्ट लाइक जनरल को एज रिलैक्सेशन नहीं होता एस सी का फाइव ईयर एज रिलैक्सेशन होता है और ओबीसी का जो है हमारा थ्री ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है ठीक है आगे की बात अगर हम समझे आपका पैकेज भी यहां पर प्रॉपर डिसाइडेड है ठीक है ये देखिए ये आपका 20 से 35 लाख का पैकेज दिया हुआ है यहाँ पर ग्रुप हेड का जो पैकेज है वो आपका 16 से 28 लाख का पैकेज है टेरी ट्री हेड का पैकेज आपका 14 से 25 लाख है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर आपका 8 से 14 लाख यानी कि पैकेज भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं बच्चों आपको ठीक है और आगे की बात अगर हम समझें ये जो डी था ठीक है ना इसका जो पैकेज है वो है आपका चौबीस लाख पर एनम ठीक है आगे की बात समझते हैं बच्चों आगे की बात समझे तो इसकी अप्लीकेशन फीस कितनी है अप्लीकेशन फीस है बेटा सिक्स हंड्रेड रुपीज प्लस टैक्स ये किसके लिए है ये है आपका जनरल कैटेगरी ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी कैंडिडेट्स के लिए सौ तो रुपये जो फीस है वो है वो इसमें प्लस टैक्सेज वो किसके लिए है वो है एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ठीक है हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको जो आपको लिंक इसमें गिवन होगा ठीक है ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन थी आपकी बच्चों ठीक है हर पोस्ट के लिए अलग क्राइटेरिया गिवन है इसमें जैसे जनरल इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स ठीक है आगे की अगर मैं बात बताऊं, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि एक पोस्ट हो गई सपोज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी गई है डाटा साइंटिस्ट की दी गई है तो इसमें क्या क्या आपको काम करने हैं वो दिया गया और क्या क्या आपके लिए स्किल रिक्वायरमेंट है आपको वो गिवन है अब जैसे डेटा इंजीनियर है तो उसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और स्किल क्या रिक्वायरमेंट है वो दी गई हैं ठीक है हर उसके लिए जैसे एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हो गया तो उसके लिए आपके रोल्स एंड क्या होंगे और क्या है? आपके लिए स्किल रिक्वायरमेंट है तो उसे प्रॉपर सावधानी से पढ़ लेना तब आगे आप इसमें अप्लाई करना ठीक है दोस्तों तो एक चीज़ और आपको बतानी है जस्ट अ मिनट देखो हाँ जब आप इसमें फॉर्म फिल करोगे तो आपको नंबर मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे रिज्यूमे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी डी सर्टिफिकेट है अगर आपका ठीक है ना ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट पेजेस साइज ए फोर शीट का होना चाहिए साइज ऑफ द फ़ाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग फाइव हंड्रेड के बी ठीक है, fee, uh, KB, है? आ, ये आपकी पूरी जानकारी है फोटोग्राफ आपको देनी है सिग्नेचर आपको देने हैं सिग्नेचर के बारे में पूरी डिटेल दी गई है ठीक तो आई होप और लास्ट में आपको एक फॉर्म फिल करना है ये देखो गिवन है आपका ये ठीक है ना ये आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रोसीड टू प्रोड्यूस्ड बाई अ कैंडिडेट ये आपको फिल करना है ठीक तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी आज से आपका जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है ठीक है तो सभी स्टूडेंट्स जो इसके लिए एलिजिबल हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं तो सुबह अपनी क्वांट अच्छी करने के लिए जुड़े मेरे साथ नौ बजे की क्लास में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू जय हिंद धन्यवाद भारत माता की जय थैंक यू क्लास हैव अ गुड डे बाय बाय